केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, मालविया जी, हरीश चौधरी जी, मोहन प्रकाश जी, सीपी जोशी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एमएलएज, एमपीज, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आप दूर दूर से आए हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको, 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर, यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं, नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी वाला भाषण दे दिया, देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा। अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं, पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। जैसे ही 2 चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बीच में और अदानी जी के बीच में क्या रिश्ता है, बीजेपी वाला भग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है।
उसके बाद दूसरा भाषण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखें आप मिला लीजिए। जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया और पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। आपको याद होगा पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, याद है आपको, इंडिया से भारत। अब पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया इंडिया वर्सेस भारत, कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में। मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई, अब स्पेशल सेशन में क्या करें, स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें। चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे, हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे दो तीन सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं। मगर इन्होंने बहाना बनाया है, ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। अब पार्लियामेंट में मेरा भाषण था तो भाषण के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उसमें ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की क्या भागीदारी है। तो मैंने क्या किया, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, हिंदुस्तान को, आज के हिंदुस्तान को
एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। आज के हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री 90 अफसरों के साथ चलाते हैं। वो कौन है? वो हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज हैं। हर मिनिस्ट्री को, सेंट्रल मिनिस्ट्री को सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने एक बात चेक की कि ये जो लोग 90 लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर इनके हाथ में है। हिंदुस्तान किस ओर जाएगा? शिक्षा में क्या निर्णय लिए जाएंगे? स्वास्थ्य में क्या निर्णय लिया जाएंगे? नरेगा का डिजाइन कैसे होगा? भोजन के अधिकार का डिजाइन क्या होगा? ये 90 लोग चुनते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो मैंने सोचा, देखता हूं इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। और बात सुनिए, वो 3 लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट पे निर्णय लेते हैं। मतलब 3 हैं और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है, कोई कोई नहीं सुनता उनकी, उनको कोने में रखा हुआ है। तो फिर पार्लियामेंट में मैंने एक और सवाल पूछा जो शायद हिंदुस्तान के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं। और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की। टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अदानी जी से डरते हैं। अदानी जी शब्द को अगर विपक्ष का कोई बोलता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, मंत्री सब हिलने लगते हैं, टीवी ऑफ हो जाता है, माइक बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है, जो मैंने बात उठाई पार्लियामेंट हाउस में, 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी क्यों हैं, 5% बजट इन लोगों के हाथ में क्यों है, क्या ओबीसी की आबादी 5% है?
क्या 5% है? नहीं, ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है 50%, कोई कहता है 45%, कोई कहता है 55%। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, किसी को चोट लगती है, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम अस्पताल में ले जाते हैं, कहते भैया एक्सरे करो, एक्सरे करो, पता लगाओ कि असलियत क्या है। हड्डी टूटी है, हां या ना? कौन सी हड्डी टूटी है? का सेंसर्स भाई और बहनों, एक्सरे है, का सेंसर्स से पूरा पता लग जाएगा हिंदुस्तान में कौन कौन लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं, ओबीसी कितने, दलित आदिवासी माइनॉरिटी जनरल कितने हैं, पता लग जाएगा। एक्सरे के बाद काम किया जा सकता है। अगर हम ओबीसी को भागीदारी के देने की बात करते हैं तो बिना कास्ट सेंसस ये किया ही नहीं जा सकता है। तो प्रधानमंत्री 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की इज्जत की बात करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री कास्ट सेंसस से क्यों डरते हैं? प्रधानमंत्री जी, अगले भाषण में आप हिंदुस्तान को बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, आंकड़े आपके पास हैं, उन आंकड़ों को आप हिंदुस्तान के सामने रख दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को दिखा दीजिए। और अगला जो सेंसस है उसको आप कास्ट बेसिस पे कीजिए। ओबीसी का अपमान मत कीजिए, ओबीसी को धोखा मत दीजिए। अब आप देखना, नरेंद्र मोदी जी ना अदानी जी की बात कर सकते हैं और ना ओबीसी सेंसस की बात कर सकते हैं। उनके भाषण देखना आप, आने वाले समय में भाषण देखना, ओबीसी सेंसस पे वो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, आपके सामने आंकड़े नहीं रख पाएंगे, अदानी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सच्चाई ये है, यहां पे राजस्थान में हमारी सरकार ने आपसे झूठे वायदे नहीं किए। ₹21 लाख किसानों को ₹14,000 करोड़ राजस्थान की सरकार ने दिया है। चिरंजीव स्वास्थ्य योजना को आप जानते हो, कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन में कुलियों से बात करने गया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा और उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते। मैं गया, उनकी समस्या समझने, उनकी दिल की आवाज को सुनने। मुझे कहते हैं राहुल जी, राजस्थान की सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी। हमारे घुटने खत्म हो गए, हम वजन नहीं उठा पा रहे हैं, राजस्थान की सरकार ने हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूल सकते। शिक्षा में 3,600 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले हैं,
अब आप एक काम कीजिए, मैंने एक काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, लोकसभा में मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं, और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, हिंदी सबको सीखनी चाहिए मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी, हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो आप हिंदी में कर सकते हो, दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए सुनिए, बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, सुनिए डिस्टर्ब मत कीजिए, मैंने पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, मतलब दो हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए, और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। तो बब्बर शेरों, आपकी सरकार ने और आपने, क्योंकि यह सरकार आपकी है, आपने राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य दिया, आपने कर्जा माफ करवाया। भैया यहां पे सिलेंडर कितने का है? ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हमें कह के करवाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में माताओं बहनों से पैसा छीन कर दो तीन उद्योगपतियों के जेब में डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिलवाया है, ये भूलिए मत। 100 यूनिट मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी बिजली आपने दी, इंदिरा रसोई में 8 रुपए के लिए खाना आप देते हो। मैंने आपको हथियार दिए हैं, चुनाव का समय है, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, दो सवाल पूछिए, कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे हो, अदानी जी को आपने कितना फायदा पहुंचाया देश को बता दो, हमने आपको स्वास्थ्य दिया, 500 रुपए का सिलेंडर दिया, कर्जा माफ किया, ये आपके हथियार हैं। मैदान में जाइए, सच्चाई रखिए, और ये जो नफरत फैलाते हैं, इनके नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके परम श्रद्धेय खड़गे साहब पधारें और संबोधित करें। खड़गे साहब, खड़गे साहब, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, ज
जयपुर की जनसभा में